ओगे, जब भी 3-4 महीने में हालत ठीक होगी तब तुम्हें बुलाएंगे। ये बेरोजगारी सिर उठाए खड़ी है। मैं कुछ डेटा आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। ये जो लाखों करोड़ों लोग अपने अपने घरों को गए हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से हैं। अगर आप होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो 4 करोड़ लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं, और 12 लाख मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, और ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का डेटा है जो कि करीबन 5-6 दिन पुराना है। उस समय आपको पता है ये कोरोना हर दिन, कोरोना महामारी हर दिन एक और भयंकर रूप ले रही है। दोस्तों, आप जानते हैं होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत करोड़ों का घाटा है। वो घाटा किसको चुकाना होगा? हमारे देश को चुकाना होगा आर्थिक मंदी के जरिए। अगर हम एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो 2.2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 3.5 लाख पीपल है जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो 4,200 करोड़ रेवेन्यू का है। आपको क्या लगता है एयरलाइंस उतना का उतना स्टाफ रख पाएंगी? सारे के सारे लोगों को जो पर्क्स, जो बेनिफिट्स मिलते थे, क्या वो सारे बेनिफिट्स दे पाएंगी? अगर रिटेल इंडस्ट्री की बात करें, 59 लाख करोड़ की रिटेल इंडस्ट्री है, 4.6 करोड़ पीपल हैं, और जो जॉब लॉसेस हैं वो 1.1 सीआर के जॉब लॉस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की अगर बात करें, 73 लाख लोग हैं, 73 लाख पीपल, और 14 लाख लोगों की नौकरी चले जाने का इकोनॉमिक्स टाइम्स ने खतरा बताया है। अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो वो ऑलरेडी स्लम पे है, पहले ही वो बहुत कम जा रही थी, कमजोर हो रही थी, और जो अब जॉब लॉस है वो लगभग 35% का जॉब लॉस एक्सपेक्टेड है। अगर हम राइड हेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, उबर ओला, आप जानते हैं उबर ओला नहीं चल रही, ऑलरेडी पहले से ही जो इनके 50 लाख ड्राइवर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो सबके सब बेरोजगार हो चुके हैं, और जो 40 to 50% का जो बिजनेस ड्रॉप है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हम कोरोना से उभर भी जाएंगे तो भी ये जो डर, ये जो एक हमारे अंदर जो भय बैठा है, ये भय हमें आसानी से बाहर नहीं निकालेगा। हम आसानी से कल से पिकनिक करने नहीं लग जाएंगे। आपको ये बात समझनी है, हर किसी को नुकसान हुआ है। बड़ी से बड़ी कार कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है, सब ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है, सब मजबूरी में गई है या जो भी गई है, हर चीज़ बंद है। और जब ये बंद है तो क्या इसके कारण नौकरियाँ जा नहीं रही हैं? क्या नौकरियाँ गई नहीं है? स्टॉक मार्केट पिछले 2 महीने में 35% स्टॉक मार्केट डाउन आ गया है। क्या देश ने करोड़ों अरबों रुपए का घाटा नहीं खाया है? ये जो घाटा कुल मिला के नजर आ रहा है, इसका जो कहते हैं ना कि फल हम सबको भुगतना ही पड़ेगा, हम सबको इस आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना ही पड़ेगा। तो अब क्या करें, क्या करें? अभी आर्थिक मंदी है तो इस समय हम कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ये ऐसी हेल्पलेसनेस, ये एक ऐसा असहायपन हम सबके दिल और दिमाग में बैठता चला जा रहा है, शरीर में एक सुन्नपन सा छा रहा है। पर दोस्तों, एक काम करना है, एक्नॉलेज करना है, इस आर्थिक मंदी को एक्नॉलेज करना है, इसको स्वीकार करना है, और स्वीकार करने के बाद इस लॉकडाउन के पीरियड में जो किया जा सकता है, जो समझा जा सकता है, जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है, जो भी कंट्रोल द कंट्रोलेबल है, आपको इस समय वो करना है। दोस्तों, हमेशा से माना गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मंदी के वक्त भी काम करती है। मैं आपके साथ, आपके सामने हाथ जोड़ के एक आह्वान कर रही हूं। आपने इस इंडस्ट्री के बारे में जो भी सुना है, जो भी जाना है, जो भी समझा है, जो भी आपका गिलास भरा हुआ है, उस गिलास को थोड़ा खाली कीजिए। ये वक्त आया है दिमाग की खिड़कियां खोलने का, ये वक्त आया है ओपन माइंड के साथ इस इंडस्ट्री के बारे में समझने का, सुनने का, जो कि आर्थिक मंदी के समय पर आपका साथ दे सकती है। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों एक व्यक्ति जो कि किसी आईटी कंपनी में सीईओ है, क्यों एक व्यक्ति जिसकी मोबाइल की शॉप है, क्यों एक व्यक्ति जिसका इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, क्यों एक व्यक्ति जो कि किसी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है, प्रिंसिपल है, क्यों एक व्यक्ति जो किसी कॉलेज में लेक्चरार है, क्यों कोई टीचर है, क्यों कोई ब्यूटिशियन है, क्यों कोई बुटीक ओनर है, आज क्यों उनको इस इंडस्ट्री के बारे में समझना चाहिए? हम आगे उसी पर बात करने जा रहे हैं। ये जो गरीब वर्ग जिसके लिए आज हम तरस खा रहे हैं, सिर्फ तरस खाने के सिवा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे ऐसे वेटर्स को जानती हूं, मैं ऐसे ऐसे पियोन्स को जानती हूं, मैं ऐसे ऐसे कारीगरों को जानती हूं जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, बहुत सारा लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। इस इंडस्ट्री को एक तरफ साइंटिस्ट कर रहे हैं, नोबेल प्राइज विनर्स मैंने सुना है कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये वेटर्स के लिए, दूध वाली के लिए, तो
कहीं के पियोन के लिए तो कहीं के कारपेंटर के लिए भी इन्होंने सफलता के रास्ते खोल दिए हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है तो क्यों नहीं अभी जब लॉकडाउन चल रहा है हम ओपन माइंड के साथ न केवल इस बिज़नेस को समझें, इस बिज़नेस में एंटर हों, क्योंकि कुछ नहीं करना, आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, आपको ज्ञान लेने के लिए भी घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको इस बिज़नेस में माइंड सेट चाहिए होता है, स्किल सेट चाहिए होता है और एक्शन सेट चाहिए होता है। माइंड सेट हम घर बैठे सिखा देंगे, स्किल सेट हम घर बैठे सिखा देंगे, एक्शन सेट भी 50-60% एक्शन ऐसा है जो घर बैठ के होता है, वो हम आपसे घर बैठ के करा देंगे। जब तक ये कोरोना महामारी, जब तक ये कोरोना लॉकडाउन अपना असर कम करेगा, खत्म करेगा, तब तक आपके पास थोड़ी आशा होगी, और अगर आपने उस आशा की डोरी पकड़ ली तो आपके पास बहुत सारा विश्वास होगा, और फिर उसके आगे जो होगा आप आने वाले समय में याद रखेंगे कि कोरोना मंदी के समय पर आपको कुछ ऐसा मिला था, कोरोना बंदी के समय पर आपको कुछ ऐसा मिला था जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी। क्या आप ओपन माइंड के साथ तैयार हैं? क्या आप एक पैराशूट जैसा कि जब तक खुला नहीं हो काम नहीं करता, ऐसे ही दिमाग जब तक खुला नहीं हो काम नहीं करता, क्या आप मेरे साथ अगले कुछ मिनट, कुछ वक्त बिताने को तैयार हैं? मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जो ताकत बताने वाली हूँ ना, वो ताकत आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल देगी। आपको अफसोस होगा कि आज तक आपको इसके बारे में क्यों नहीं पता था, पर कोई बात नहीं, इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात यह है कि जो नहीं करते उसकी माफ़ी है, कोई पनिशमेंट नहीं है कि आज तक क्यों नहीं किया, पर जब कर लिया उसका इनाम है। तो आज तक जो हुआ, आज तक जो नहीं हुआ, आज तक आप जो समझते थे, आज तक आपने जो माना, उसको सलाम, उसको नमस्कार, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आइए सीखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में कैसे आपकी मदद कर सकता है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? दोस्तों, सबसे पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करना है क्योंकि ये एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ दे सकता है। आपको फैसला करना है आपको क्या चाहिए। आपको अतिरिक्त आमदनी चाहिए? यस। इस देश में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में ये नहीं बोल सकता कि उसे अतिरिक्त आमदनी नहीं चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है ना, तो आपको इस देश का, मानव जाति का भला करने के लिए पैसा चाहिए। इस समय जिसके पास जितना भी पैसा हो ना, वो कम है। अगर आप क्यों खर्चे करने आते हैं, अगर आप उन पैसों को खर्च कर सकते हैं तो बढ़िया, नहीं तो बहुत लोगों को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तब भी अतिरिक्त आमदनी आपके काम आएगी, और अगर आप गरीब हैं या आप अभी सेटल हो रहे हैं या किसी कारण से इस लॉकडाउन के कारण आपकी जो भी आमदनी है उस पर असर आया है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आमदनी उसको कॉम्पनसेट कर सकेगी। पहली बात, इसलिए करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि ये अतिरिक्त आमदनी का जरिया है। दूसरी बात, हम खाली नेटवर्क मार्केटिंग गाड़ी खरीदने के लिए नहीं करते, हम वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए नहीं करते। हम एक गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर दूसरी गाड़ी खरीदने के लिए करते हैं, फिर दूसरी गाड़ी खरीद लेते हैं तो तीसरी गाड़ी खरीदने के लिए करते हैं, और जब तीसरी, दूसरी, पहली गाड़ी खरीद लेते हैं तो हमने तो खरीद ली, अब हम 50, 100, 200, 300, 500, 5,000 लोगों को गाड़ी दिलवा सकते हैं, ये हम समझ जाते हैं, तो उनको दिलवाने के लिए हम इस बिजनेस को करते हैं। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग? अगर आपको अपनी गाड़ी अपग्रेड करनी है, अगर आप टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप अनलिमिटेड सफलता चाहते हैं, आप सचमुच चाहते हैं कि भगवान ना करे आगे कभी भी कोई मंदी आए तो कुछ भी चिंता हो, कम से कम पैसे की चिंता नहीं हो, कम से कम ये नहीं सोचना पड़े कि पैसा कम नहीं पड़ जाए, आटा दाल चावल लेने के लिए पैसा नहीं रहे, या किसी मेडिकल फैसिलिटी के लिए पैसा नहीं रहे, या किसी भी तरीके से पैसे के कारण मेरा घर परिवार परेशान नहीं हो, अगर आप ये चाहते हैं तो आपके लिए सही है नेटवर्क मार्केटिंग। पैसा है, कमाया जा सकता है। हम इस लॉकडाउन पीरियड में ही आपको ट्रेन कर देंगे, आपके माइंड को ट्रेन कर देंगे कि आपका माइंड ये कहने लगेगा यस पैसा कमाया जा सकता है, और साथ में आपका मन ये कहने लगेगा मैं कमा सकता हूँ, आई एम रेडी। दूसरी बात, इस बिजनेस में बहुत सारा मान सम्मान है, नेम है, फेम है, ग्लोरी है। सबसे पहली बात तो आप खुद को शाबाशी देने लगते हैं कि आप खाली अपने सपनों पे, अपनी ज़रूरतों पर बैठे नहीं हैं, खाली सरकार को नहीं कोस रहे हैं, खाली इधर उधर की नहीं सोच रहे हैं, आप कुछ अपने सपनों के लिए कर सकते हैं, ये बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ा देती है। और दूसरी बात, इस बिजनेस में सफलता का राज ही ये है कि आप सीख जाते हो कि दूसरों को सफल बना के आप सफल होते हो, और जब आप दूसरों को सफल बनाने लगते हो वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत रिकॉग्निशन देते हैं। आखिरी बार माला गले में कब पड़ी थी आपके? जब शादी हुई थी, या जब वो 50वीं 25वीं शादी की सालगिरह मनाई गई थी। अगली कब पड़ेगी पता नहीं, अब तो ये भी नहीं पता कब पड़ेगी। दोस्तों, इस बिज़नेस में छोटी सी माला से शुरू होता है, 100 किलो की माला तक मामला जाता है। आपके पेरेंट्स को बैठा के 10-10 मिनट अगर उन पे फूल बरसाए जाएं, सिर्फ ये कह करके कि धन्यवाद आपका, थैंक यू आपका कि आपने इस जैसा बच्चा पैदा किया,
अगर आप चाहते हैं अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना ये, तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपके लिए है। आप समझिए व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। लाइफस्टाइल है, लग्जरी है, घूमना फिरना, मौज मस्ती, आपकी पसंद की गाड़ियां, आपकी पसंद का कपड़ा, आपकी पसंद का जेवर, ये इस बिजनेस में है। हिंदुस्तान को लाइफस्टाइल सिखा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। आज की तारीख में आप किसी भी होटल में चले जाइए, उस होटल में अगर बात करें कि भैया इस होटल को जो बैंक्वेट हॉल बुक किए जाते हैं उसमें से मैक्सिमम जो बैंक्वेट हॉल हैं वो शादियों के होते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट्स के होते हैं, पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट्स के होते हैं। आप अगर कान खोल के थोड़ा दिमाग खोल के आसपास पता करेंगे ना, तो आपके आसपास भी कोई ना कोई होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग की गाड़ी चलाता होगा, जिसने आपके पड़ोस का वो घर नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से खरीदा होगा। और जब आपकी उसकी आप उसकी स्टोरी सुनेंगे तो रोए खड़े हो जाएंगे। ऐसी लाइफस्टाइल इस बिजनेस में आपको मिलती है, इसको कहते हैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग। मैं सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास मेरे हस्बैंड के पास स्कूटर था काले रंग का, रुमाल बांध करके काले रंग का हेलमेट लगा के उसको उस पर बैठ करके हमने नेटवर्क मार्केटिंग करी। पहली गाड़ी मारुति 800 खरीदी थी, दूसरी जेन खरीदी, तीसरी एक्सेंट खरीदी, चौथी मर्सिडीज सी क्लास खरीदी, फिर मर्सिडीज जीएल खरीदी, मर्सिडीज एस क्लास खरीदी, अभी बेटे को वॉल्वो XC60 दिलाई है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि जिन लोगों को मैंने यह बिजनेस सिखाया, आज लगभग उन लोगों में पर डे 5 गाड़ियां आती हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो शायद पर डे 100 गाड़ियां जाती होंगी। अगर आपको नहीं कोई मिला है या अभी आपको समझ में नहीं आया है, तो उससे सच बदल नहीं गया है। सच ये ही है कि आप अपने सपनों की गाड़ी चला सकते हैं, आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं, विदेश यात्रा जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। क्यों? जब भगवान ने दुनिया बनाई है इतनी खूबसूरत, तो फिर देख करके ही जाना बनता है ना। मेरा ये कहना है कि अगर दूसरे लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो हमने कौन सा पाप किया है? अगर दूसरे लोग जो पा सकते हैं वो हमारा हक क्यों नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने उनको तो संडे को फुर्सत से बनाया था और हमको मंडे को बहुत थक करके या फ्राइडे को बहुत थक करके बनाया था। नहीं, भगवान ने सबको पोटेंशियल सेम दिया है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको घूमने फिरने का मौका दे सकता है। इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में पता कीजिए, आजकल प्लेन के प्लेन बुक होते हैं। एक एक कंपनी बुक करती है कंट्रीज टू कंट्रीज अपने लोगों को लेकर के जाने के लिए। जब कंट्री अपनी फॉरेन ट्रिप देती है तो अगर दुबई जा रहे हैं तो पूरे महीने दुबई में वही लोग घूमते रहते हैं। 700 लोगों का एक बैच, 700 लोगों का एक बैच, 700 लोगों का एक बैच, हम एक साथ ले जा भी नहीं पाते हैं, इतने लोग विदेश यात्रा जाते हैं। अगर आप विदेश यात्रा घूमना चाहते हैं तो आपके लिए है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप व्यक्तित्व का विकास चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता कहकर के चिता पे चढ़ जाना या कब्र में पहुंच जाना, या मैं जो चाहता था वो कर गुजरा, मैं कुछ बन गया, मैं कुछ पा गया, जब शीशे के सामने खड़े हो तो अपने आप को प्यार कर सको, नेटवर्क मार्केटिंग पर्सनल ग्रोथ का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड्स, साथ में मिलता है दूसरों को मदद करने का मौका, और उससे भी प्यारी चीज मिलती है अनलिमिटेड पैसिव इनकम, सुरक्षित आमदनी। मेरे हस्बैंड बीमार पड़े थे, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मैं डॉक्टर हूं बाय क्वालिफिकेशन। हम दोनों ने इस बिजनेस को किया, दिल लगा करके किया। 2005 में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। 2005 से 2011 तक मैं एक भी मीटिंग नहीं कर पाई थी। मैं उनकी वाइफ भी नहीं थी उस पीरियड में, मैं उनकी नर्स थी, उनकी सेवा कर रही थी। हर महीने मेरी कंपनी से पैसा मेरे घर आ जाता था। इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, इसको कहते हैं पैसिव इनकम, इसको कहते हैं सुरक्षित आमदनी। दोस्तों, ये हर चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको देता है, इसलिए मैंने बताना पसंद किया आपको व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर इनमें से कोई भी चीज आपको चाहिए तो आपके लिए है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग खाली देता ही नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग आपसे लेता भी है। नेटवर्क मार्केटिंग की एक बड़ी प्यारी चीज है, वो 100% प्रिंसिपल पे काम करता है। आप पे क्या कमियां हैं, आपकी क्या मजबूरी है, उस पर फोकस नहीं करता है। आपको ये नहीं आता, आपको ये नहीं आता, आपको ये नहीं आता, आपको ये नहीं आता, कोई बात नहीं। आप में ये एक खास बात है, आप कोई भी आपकी जो एक स्ट्रेंथ है ना, वो हम ढूंढ के निकाल लेंगे, और वो एक खास बात को 100% तक लेकर के जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। आपकी कमियों पर फोकस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो नेटवर्क मार्केटिंग खाली आपको देता नहीं है, इसलिए करना है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आपसे वो लेता है जो आपके पास बहुत सारा है, जो आपको भी शायद नहीं पता है कि आपके पास कितना है, और उससे आप क्या कर सकते हैं। आपकी उस एक खासियत को बिल्ड होते 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 वो एक खासियत आपको बहुत बड़ा बना देती है, और ये आर्ट
ये हुनर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है। बाहर की दुनिया कहेगी तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया कहेगी जैसे हो ना आ जाओ। ऐसे के ऐसे हमारे लिए काफ़ी हो। हम सबसे कहते हैं जो भी हमारे पास है वही हमारे लिए खास है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? इसलिए क्योंकि ये सिंपल है, इसलिए कि इसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलता है, कोई सिखाने को तैयार होता है, और सबसे बड़ी बात कोई आपको मेंटरिंग करने के लिए तैयार होता है। बाहर की दुनिया में सगे चाचा से पूछ के देखिए, वो नहीं बताएंगे अपना बिजनेस, कोई अपना बिजनेस सीक्रेट शेयर नहीं करता। यहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल, खाली टीचर नहीं मिलते आपको यहाँ, खाली यहाँ आपको मेंटोर मिलते हैं, मतलब जो उसी सब्जेक्ट से सफलता पा चुके होते हैं वो आपके साथ आपकी उंगली पकड़ के आपको सफलता पाना सिखाते हैं। यहाँ टीचर नहीं, मेंटोर मिलते हैं सब्जेक्ट के आपको। ये बिजनेस सिंपल है। और एक और बताऊं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, ये कॉपीकैट बिजनेस है। दूसरे बिजनेस में, दूसरी दुनिया में जब आप किसी की नकल करते हो तो लोग कहते हैं देखा मेरी नकल करी, देखा मेरे जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। हमारा ही बिजनेस, ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो ये कहता है कि आप कॉपी करो, आपको कॉपी करने का, डुप्लीकेट करने का, नकल करने का ही इनाम है जो सब कुछ मिलता है। और किसकी नकल करना है वो खुला पड़ा है, ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, अच्छे से अच्छे लोग फैले पड़े हैं। मैं सबको कहती हूँ ना, मैं आज लाइव गई, मैंने आपको आज दो कहानी सुनानी है। मैं अपने हर किसी व्यक्ति से जो कल इस इंडस्ट्री से जुड़ा है मैं उसको कहती हूँ जाओ कल फेसबुक लाइव जाओ और जो मैंने दो कहानी सुनाई ना खाली वो दो कहानी सुना दो, कुछ नहीं खोने को है, पाने को सब कुछ है। जब आप यहाँ पे कॉपी करोगे और हम वो बातें करते हैं जो आपके काम की हैं, जो आपको कुछ बना देंगी, जो आप में वो चुंबकीय आकर्षण पैदा कर देंगी, आप में वो चरिश्मा आ जाएगा कि अपने आप जैसे चुंबक से लोहा खिसता चला जाता है ऐसे ही सफलता आपसे आपकी तरफ भागी चली खिसती चली आएगी। आपको ये समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सिंपल डुप्लीकेबल बिजनेस है। ये किसी कुछ खास लोगों की बपौती नहीं है, यहाँ सफलता कुछ लोगों की जायदाद नहीं है, यहाँ सफलता हर कोई पा सकता है जो पाना चाहता है। यहाँ टॉप पर लिमिटेड स्पेस नहीं है, यहाँ टॉप पे हर कोई जा सकता है जो पाना चाहता है। आप में वो जोश होना चाहिए, आप में वो जुनून होना चाहिए, आप में वो जज्बा होना चाहिए। कॉपी कैट करने का बिजनेस है। फिर बात आती है फ्रेंड्स कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करने में मदद करता है। देखिए दुनिया है, जो मैक्सिमम लोग हैं लाइफ ऑफ सर्वाइवल के साथ इस दुनिया में चले जाते हैं, बस किसी तरह जी लिए, काट ली, लाइफ ऑफ सर्वाइवल के साथ वो इस दुनिया से उड़ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सफलता पाते हैं, लाइफ ऑफ सक्सेस लीड करते हैं। ये बिजनेस आपको आपके पोटेंशियल को 100% यूटिलाइज करने का मौका देता है और आप लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी पाते हैं, यानी कि महत्ता की जिंदगी। महत्ता कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करके जाते हैं, खाली अपने लिए जिए, वो दो चार अपने बच्चे, दो अपने मम्मी पापा और दो चार परिवार के जनों के लिए कुछ कर गए, उनसे प्यार पा लिया, उनसे रिस्पेक्ट पा ली, इसी के लिए मानव योनि में जन्म नहीं मिला है। मानव योनि में जब जन्म मिला है तो मानवता के लिए कुछ करके जाना बनता है। वो महत्व की जिंदगी जो है वो जीने का मौका देता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री में आप लाखों करोड़ों लोगों का भला कर सकते हैं अगर आप खुद सही दिशा पे निकल पड़े तो। आपकी एक बदली हुई सोच न जाने कितने लोगों को हिम्मत दिला देगी, आपकी एक बदली हुई अवधारणा, एक बदली हुई आपकी ओपिनियन न जाने कितने लोगों की ईगो, कितने लोगों की अज्ञानता दूर कर देगी। और कहते हैं ना कि एक मोमबत्ती काफ़ी है, एक बत्ती काफ़ी है, एक दिया काफ़ी है रोशनी फैलाने के लिए, एक जुगनू काफ़ी होता है रोशनी फैलाने के लिए। वो जुगनू बनने की सोचो तो सही, अभी आपको अंधेरा दिख भी रहा है ना, अभी आपको कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही ना, वो जुगनू बनने का फैसला कर लो, आप देखेंगे सारी दुनिया रोशन है। ये वो जुगनू है जो जुगनू 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 करके लाखों करोड़ों जुगनू हो गए हैं। तो कहीं किसी तरीके का कोई अंधेरा हमारी ज़िंदगी में नहीं है, हमें हर हालत का मुकाबला करना आता है, हमें हर हालत में कंट्रोल द कंट्रोलेबल करना आता है। फ्रेंड्स फिर बात अगर करें तो ये जो हमारी दुनिया है ना, हिंदुस्तान की मैं अगर खास करके बात करूं, हमारे यहाँ एजुकेशन होती है, बच्चा 4 साल का होता है तब से शुरू होती है, 20 साल 21 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, एंड दैट्स इट। हमारे 25 साल से 75 साल के लोगों के लिए कोई एजुकेशन है ही नहीं, कोई पढ़ाता ही नहीं है। और हम सब जने जानते हैं अगर सीखना बंद तो जीतना बंद,
और हमारे 25 से 75 साल तक के जो लोग होते हैं वो, उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, उनके पास पढ़ने का कोई जरिया नहीं है, अपने आप को अपग्रेड करने का कोई जरिया नहीं है। फिर उनकी अगली पीढ़ी आती है और उनको कहती है आप तो आउटडेटेड हो गए हो, जो जो दुनिया में चल रहा है वो उन्हें पता ही नहीं होता है, उन्हें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आती, उन्हें लेटेस्ट कुछ भी पता नहीं होता, उनका कॉन्फिडेंस खत्म होता चला जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 15 साल से लेकर के 75 साल तक, 80 साल तक, 90 साल तक आपको सिखाती रहती है। आप इस यूनिवर्सिटी में जब आ जाते हो ना तो वो जैसे आग में कुंदन, सोना कुंदन होता चला जाता है ना, वो आपके साथ होने लगता है। ये इंडस्ट्री आपको हर दिन एक नया सब्जेक्ट, हर दिन एक नया लेसन सिखाएगी। बिलीव कीजिए, हमारा जो ये इंडस्ट्री जो पैसा देती है, ये इंडस्ट्री जो हमें फॉरेन ट्रिप्स देती है, कार देती है, वो सब तो बाय प्रोडक्ट हैं। असली प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री का ये है वो जो आप बन जाते हैं, वो जो आप सीखते चले जाते हैं। तो अगर सचमुच आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान पढ़ा लिखा हो, सचमुच आप चाहते हैं देश तरक्की करे, तो ये 25 साल से 75 साल के लोगों को पढ़ाने का कुछ सीखिए, कुछ करिए, और आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ केवल हम आपको सिखाते ही नहीं हैं, सीखना भी सिखाते हैं और सिखाना भी सिखाते हैं, दोनों काम आप करते चले जाते हैं और फ्रेंड्स डेफिनेटली तरक्की करते चले जाते हैं। अगली बात आती है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके मोटिवेशन को एक्शन में कन्वर्ट करने का प्लेटफॉर्म देती है। दोस्तों बहुत सत्संग देखे होंगे आपने, सत्संग में हमने बहुत बातें सुनी है, दूसरों का भला करो, दूसरों की मदद करो, पॉजिटिव सोचो, खाली नहीं बैठो, बहुत सारे ज्ञान हमने सुने और हम मोटिवेट हो गए कि दूसरों का भला करें। अब करें कैसे, प्लेटफॉर्म क्या है, भंडारा करें जाकर के या सिर्फ जाकर के सेवा करें? कहते हैं किसी को एक मछली दो, उसकी बजाय उसे मछली पकड़ना सिखा दो, और मछली पकड़ना सिखाने की बजाय उससे फिशिंग कॉरपोरेशन खोलने में उसकी मदद कर दो। तीनों में से क्या सबसे अच्छा है, मछली देना, मछली पकड़ना सिखाना, या फिशिंग कॉरपोरेशन खुलवा देना उसका? नेटवर्क मार्केटिंग न मछली पकड़ना सिखाता है, न मछली पकड़ के देता है, ये आपसे मछली उद्योग लगाना सिखा देता है। ये बहुत बड़ा है, ये आपको आपके मोटिवेशन को एक्शन में कन्वर्ट करने का, छोटे छोटे एक्शन, कोई पहाड़ नहीं खोदना हमको, छोटे छोटे एक्शन। अगर कहा गया है अगर मोटिवेशन को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करो तो वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और यही कारण है मेरा देश फ्रस्ट्रेटेड है, यही कारण है कि हमारे यहाँ डिप्रेशन है, यही कारण है कि यंग बच्चों की, बच्चे सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि दिशा नहीं है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई ड्रीम व्हीकल नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे कैसे। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो प्लेटफॉर्म दे देता है जहां आप अपने सारे के सारे सपनों को पूरा कर सकते हो, अपने सारे पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करने का बेस्ट तरीका है। दोस्तों हमने जीन पहननी सीख ली, हमने वेस्टर्न कंट्रीज से उनकी स्टाइल के कपड़े पहनने सीख लिए, पर क्या उनकी स्टाइल की एजुकेशन सीखी हमने? वहाँ क्यों बच्चा 15 साल का होता है नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ता है, और क्यों 18 साल का होते होते इंडिपेंडेंट हो जाता है? कैसे वो अलग घर लेके कैसे रह सकता है, कैसे वो अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा खुद उठा पाता है? क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग मैक्सिमम लोगों का पहला कैरियर होता है। तो ये जो यूथ है ना, जो नशे में पड़ रहे हैं, जो सिगरेट, शराब, ड्रग्स या इधर उधर कर रहे हैं, अगर हम उनकी सारी की सारी एनर्जी को नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ लगा देंगे, फिर एक बार ये चस्का, ये जो सफलता है ना, आपको एक बात बताती हूँ, दुनिया का कोई नशा इतना नशीला नहीं है जितना बड़ा नशा सफलता है। हमारे बच्चों को अगर सफलता का नशा हमने दिला दिया, फिर ये उन्हें कहाँ लेकर के जाएगा कि बस हमारी गर्दन लंबी 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 होती चली जाएगी। न केवल माता पिता को गर्व होगा, देश पर भी उन बच्चों का, देश को भी उन बच्चों पर गर्व होगा। तो आइए तैयार हो जाइए अपने देश के यूथ को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए। फिर वाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे अच्छा तरीका है। हम हर किसी के घर में एक नारी है, किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की बहन, जो बहुत करने के काबिल है। मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ, आज की तारीख में हर व्यक्ति घर बैठा है, और आपके घर की जो औरत है, वो जो वुमेन है, वो काम वाली भी है, वो खाना पकाने वाली भी है, वो कपड़े धोने वाली भी है, वो प्रेस वाली भी है, वो सब कुछ वाली है, और साथ में वो पुलिस वाली भी है। अगर विश्वास नहीं हो तो जरा सोच के देखिए, आपके घर की पुलिसिंग कौन कर रही है? आपकी माँ।
वो आपको कह रही है बाहर नहीं जाना, बाहर से अंदर नहीं आना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये धोया कि नहीं धोया। हर माँ उससे जो भी करवा लो ना, जो भी मौका आता है ना, एक नारी में वो ताकत होती है, वो अपने अंदर से वो ताकतें उभारती चली जाती है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। अभी हमने नारी को घर में बैठा रखा है तो उसने महा ताकतें लगा रखी हैं। बिलीव मी, नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमारी देश की नारी घर भी संभाल सकती है, जितने भी रोल वो आज प्ले कर रही है उन रोल्स को प्ले करने के साथ साथ वो बाहर एक ऐसा रोल प्ले कर सकती है कि देश को गर्व होगा उस पर। एंड बिलीव मी, अगर आप अपनी अगली पीढ़ी से कुछ खास कराना चाहते हैं, एक बच्चे का कॉन्फिडेंस उसकी माँ के कॉन्फिडेंस से ज़्यादा नहीं होता है, एक बच्चे की सेल्फ एस्टीम अपनी माँ की सेल्फ एस्टीम से ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी अच्छी निकले, तो जो उसकी माँ है ना, उस माँ को एजुकेट कीजिए, उस माँ को ये प्लेटफॉर्म दीजिए जिससे वो तरक्की कर सके, वो अपने अंदर के सपनों को पूरा कर सके, वो अपने आप को शीशे में जब देखे तो अपने आप को प्यार कर सके, अपना खुद का एक 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 पहचान बना सके। वुमेन एम्पावरमेंट का से अच्छा अगर कोई तरीका है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। हम बात करते हैं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत अच्छी नौकरी करी, हमें बड़ा किया, पाला पोसा, और आज जब वो बिस्तर पर पहुंच गए हैं, आज किसी कारण से वो एक्शन में नहीं है, आज वो रिटायर हो गए हैं, आज उन्होंने शॉप पे जाना बंद कर दिया है, आप भले उन्हें अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर वो परेशान है क्योंकि उनको अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ में आती, उन्हें समझ में नहीं आता मैं जिंदा क्यों हूँ। पर अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी इंसान करता है, आप काम करते हो करते हो करते हो, इनकम आने लगती है, जब आप बूढ़े हो जाते हो, जब आपकी इनकम आनी बंद भी हो जाती है, मतलब जब आपका काम करना बंद हो जाता है, आपकी बाकी की सारी इनकम आनी बंद भी हो जाती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग से इनकम भी आती रहती है और बुलावे भी आते रहते हैं, यहाँ आइए हम आपको माला पहनाएंगे, यहाँ आइए आपके माला पहनाएंगे। मेरी सासू माँ घर में है, 75 साल की हैं, 18 लाख रुपया महीना कमाती हैं। आप समझ सकते हैं वो क्या वर्थ फील करती होंगी जब वो उस कुर्सी पर बैठी होती होंगी, जब वो ये सामान लाना है, ये सामान लाना है, आज ये खाना बनाना है, ये खाना बनाना है, जब वो ये सब बातें करती होंगी। आप समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ने उनकी उम्र को कितना लंबा किया है, उनकी सेहत को कितना अच्छा किया है, वो जो सेल्फ वर्थ वो महसूस करती है। हमारा हक बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने घर में हर किसी को ये सेल्फ वर्थ दें। फिर बात आती है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, स्किल इंडिया बनाना है ना, नेटवर्क मार्केटिंग देगा। नेटवर्क मार्केटिंग वो स्किल्स जो आपने आज तक किसी चैप्टर में पढ़ी नहीं होंगी, वो रेजिलेंस, वो पेशेंस, वो विजुलाइजेशन, जिसको थ्योरी में सिखाना असंभव है, नेटवर्क मार्केटिंग वो स्किल्स आप में इनबिल्ट करता चला जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस ही ये है कि ये सारी की सारी स्किल्स जो हैं वो आप में इनबिल्ट आती चली जाएंगी। स्किल इंडिया बनाना है, मेक इन इंडिया बनाना है, मेड इन इंडिया बनाना है, प्राउड ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट करना है, अगर देश को सचमुच गर्व कराना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करना है। और सबसे बड़ी बात, देश को फिर से अगर सोने की चिड़िया बनाना हो, अगर देश को बिजनेस करना सिखाना हो, थ्योरी में बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता, बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी MBA कराता है ना, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टारगेट क्या देते हैं, हम आपको बड़ी से बड़ी कंपनी में नौकरी लगा देंगे। कोई इंस्टीट्यूट नहीं कहता कि आप हमारे साथ MBA करो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करो, हम आपका बिजनेस खुलवा देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग कहता है, कहने की जरूरत नहीं है, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया वो कुछ भी कर सकता है। हम हमारी कुर्सी पे हमारी कंपनी का पियोन भी बैठा होता है और हमारी कंपनी का MD भी बैठा होता है, तो जिसने नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर देश को सचमुच सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो, अगर देश में छोटे 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 करोड़ों लघु उद्योग खुलवाना चाहते हो, अगर देश में एंटरप्रेन्योरशिप डालना चाहते हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आगे जाना है। और सबसे बड़ी बात, अगर खुद से प्यार करना है, अगर आप सचमुच खुद पे नाज करना चाहते हो, अगर खुद पे गर्व करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ खास कर गए, बन गए, अगर आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, ये फीलिंग आप लाना चाहते हो, तो है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वो है जवाब वाई नेटवर्क मार्केटिंग का। दोस्तों, वाई नेटवर्क मार्केटिंग तो आपने बहुत सुना, पर आपके किसी काम का नहीं आएगा अगर आपके पास आपका वाई नहीं होगा। डिसाइड कीजिए कि जितनी भी बातें मैंने बताई उसमें से कौन सा वाई है जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का वाई जिनको समझ में आ गया वो ये सब पा ही रहे हैं। जैसे कोरोना फैलता चला जा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग भी फैलता चला जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप नहीं भी चाहेंगे, आप नहीं करेंगे, आपकी अगली पीढ़ी करेगी, अगली पीढ़ी नहीं तो उसकी अगली पीढ़ी करेगी, इससे कोई अछूता नहीं रहेगा। जितनी जल्दी समझ जाएंगे, ये वक्त महत्वपूर्ण है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सब अगले 15-20 दिन घर पर हैं और हम आपका साथ दे देंगे। नेक्स्ट
डे आफ्टर टुमारो जो हम सेशन करेंगे उसमें नेटवर्क मार्केटिंग की और गहराई से कुछ बातें करेंगे। बिलीव मी, हाथ पकड़ के हम आपका आपको आपके साथ आगे लेकर के चलेंगे। हम तैयार हैं, हम कदम बढ़ा रहे हैं, हम आज बढ़ा रहे हैं, पर क्या आप तैयार हैं? आग आपको अपने अंदर लगानी होगी। मैं मेरे सेशन का एंड फिर से एक कहानी से करना चाहूँगी। एक बार बहुत सारे पंछी उड़ रहे थे, जा रहे थे फॉर्मेशन बना करके, पास से एक जेट प्लेन जुप करके निकला। तो सारे पंछी बात करने लगे कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये तो बहुत बड़ा चिड़ा था और ये चिड़ा ऐसे कैसे उड़ गया, इतनी तेज कैसे उड़ गया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक बुजुर्ग चिड़ा था, कहने लगा, तुम देख नहीं रहे उसकी पूंछ में आग लगी है, अगर हमारी पूंछ में आग लगे तो हम भी ऐसे ही उड़ेंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है, आपको अपनी पूंछ में आग लगानी होगी, आपको अपना वाई क्लियर करना होगा। अगर आपने क्लियर कर लिया अपना वाई, तो साथ देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, साथ देने के लिए हम हैं, साथ देने के लिए लोग हैं। सारा हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग को सलाम कर रहा है, ये अब इग्नोर करने वाली इंडस्ट्री नहीं है। और इस समय में इससे अच्छा कुछ आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन और अपने फ्यूचर का बिल्डअप, इससे अच्छा आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो आइए तैयार हो जाइए, जिसने आपको इन्वाइट किया था उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, बिजनेस में आइए और हमारी उंगली पकड़ के आगे चलने के लिए तैयार हो जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट, स्टे सेफ।